हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा इंटीरियर बजट वर्सेस टाइम बजट के बारे में। इसके बारे में क्या क्या सीखेंगे हम लोग, हम सीखेंगे व्हाट इज वोटर अकाउंट, लिमिटेशन क्या है इंटीरियर बजट की, और इंटीरियर बजट और फाइनल बजट में क्या डिफरेंस होता है वो सीखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो समझने से पहले आपको तीन चीज़ें समझनी जरूरी, आर्टिकल 266 क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, इंटीरियर बजट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 266 के बारे में। आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1 क्या कहता है, वो कहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। वो बता दो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड होता है जिसमें भारत सरकार का सारा पैसा रहता है, हमारे टैक्स का पैसा, लोन्स का पैसा, गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट्स का पैसा, सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। वो तो फिर वो फंड को यूटिलाइज करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है। ये कौन कह रहा है, ये कहता है आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1 कहता है इस बात को कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। अब पार्लियामेंट परमिशन किस बेसिस पे देती है, पार्लियामेंट लॉ बना के परमिशन देती है। यूजली हम फाइनेंस बिल कहते हैं इसको, जो आगे जाके फाइनेंस एक्ट बन जाता है, फाइनेंस एक्ट 2016, 2017 एंड सो ऑन। तो फाइनेंस बिल के रूप में पार्लियामेंट हमको परमिशन देती है, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देती है कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज कर लो। बिना फाइनेंस बिल के परमिशन के, सॉरी बिना पार्लियामेंट के परमिशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को हाथ भी नहीं लगा सकती। लेट मी रिपीट, विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इवन टच द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जनरल बजट के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। जनरल बजट का सिंपल चार स्टेजेस होते हैं। जनरल बजट सबसे पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर आके बजट को प्रेजेंट करते हैं, फिर लोकसभा में उसकी डिस्कशन होती है, फिर वोटिंग होती है, फाइनली फाइनेंस बिल पास हो जाता है। आपको पता होगा बजट जो है सिर्फ लोकसभा के अंदर आता है, राज्यसभा के अंदर बजट जाता ही नहीं, लोकसभा के बाद सीधी उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेज दिया जाता है एंड देन फाइनेंस बिल पास हो जाता है। फिर फाइनेंस बिल राज्यसभा के अंदर नहीं जाता, और जब प्रेसिडेंट से पास हो जाता है तो पार्लियामेंट से अप्रूव मान लिया जाता है और गवर्नमेंट जो है उस बिल के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज कर सकती है एज पर द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उस हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है। फ्रेंड्स, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, हमारा टॉपिक तो इंटीरियर बजट था, आगे बताएंगे आपको इंटीरियर बजट जो है गवर्नमेंट क्यों बनाती है। देखिए एनुअल बजट क्या होता है, एक साल के लिए पूरा होता है वो, पर गवर्नमेंट इंटीरियर बजट इसलिए बनाती है जब गवर्नमेंट एनुअल बजट नहीं बना सके। कैसे सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल बीजेपी, अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, क्या बीजेपी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का बजट बना सकती है अभी। द आंसर इज नो, क्योंकि इस बीच इलेक्शंस है मई और जून में, क्या होता है बीजेपी की सरकार नहीं रहे, कोई गारंटी थोड़ी ना इस बात की कि बीजेपी की सरकार रहेगी। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है इस टाइम पे कि अप्रैल से लेके जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक का एक इंटीरियर बजट बना लेती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट को उस टाइम भी खर्चे करने होते हैं, उस टाइम भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना होता है टीडीएस से, जीएसटी से खर्चा उस टाइम भी करना होता है, मिनिस्ट्रीज को, सैलरीज को, पेंशन होल्डर्स को खर्चा उस टाइम भी करना होता है। तो अप्रैल मई जून जुलाई यूजली 4 मंथ्स, मैक्सिमम 4 मंथ्स तक गवर्नमेंट एक इंटीरियर बजट बना लेती है। वो इंटीरियर बजट को 1 फरवरी को प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो इस पीरियड को बजट फॉर्म करते हैं। अब फ्रेंड्स, दिक्कत ये आती है कि इंटीरियर बजट फाइनेंस बिल तो बनाता नहीं, इंटीरियर बजट डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस बिल, वो तो सिर्फ एनुअल बजट ही फाइनेंस बिल बनाता है। और जब तक फाइनेंस बिल नहीं बनेगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 266 और आर्टिकल 1 आड़े आज के बीच में वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की परमिशन लेके आओ। अब पार्लियामेंट परमिशन कैसे देती है, फाइनेंस बिल के बेसिस पे। अब फाइनेंस बिल बनता ही नहीं तो पार्लियामेंट परमिशन कैसे दे, ये दिक्कत होती है। तो इसमें यहाँ पे आता है हमारे वोट ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि आगे पढ़ते हैं, एज अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन गवर्नमेंट टेक्स अप्रूवल ऑफ इंटीरियर बजट थ्रू वोट ऑन अकाउंट। अब पार्लियामेंट बिल तो बनाएगी नहीं क्योंकि इंटीरियर बजट कोई साल भर के लिए है नहीं, तो जो हम बिल बनाए वो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए, तो वो बिल बनेगा नहीं। तो पार्लियामेंट किस कैसे परमिशन देगी, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट करेंगे यस और नो के हिसाब से एंड देन पार्लियामेंट इस बात की परमिशन दे देगी फिर, और इस परमिशन लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वो
इंटीरियम पीरियड, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज कर सकती है। तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है, बिकॉज पार्लियामेंट ने वोट ऑन अकाउंट के थ्रू परमिशन दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को और द यूनियन गवर्नमेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इट डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस बिल। यूजुअली आपको अब समझ में आ गया होगा कि इंटीरियम बजट क्यों बनाती है गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट पूरे साल भर का बजट नहीं बना सकती क्योंकि बीच में सरकार गिरने का डर रहता है क्योंकि इलेक्शन है बीच में। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आगे इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं, इंटीरियम बजट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। यूजुअली देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट कैन मेक एनी चेंजेस इन द बजट, कैन इंट्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ न्यू टैक्सेस। कुछ भी नए टाइप के टैक्सेस ला सकती है गवर्नमेंट, कुछ भी कर सकती है, नया सेस वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकती है इंटीरियम बजट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इंटीरियम बजट में गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। पर अब तक के 12 इंटीरियम बजट इंडिया में पेश हो चुके हैं, अनटिल डेट किसी भी गवर्नमेंट ने इंटीरियम बजट के दौरान कोई भी नया तरीके का टैक्स, नया तरीके का सेस, कोई भी स्लैब रेट में चेंजेस नहीं किया है। हाँ, इस वाले बजट में भी स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। होप आपको ये बात क्लियर हो, मेरी पिछली वीडियो इसके बारे में एक्सप्लेन करती है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब तक के 12 इंटीरियम बजट आ चुके हैं इंडिया के इतिहास में और अब तक कोई भी टैक्स में चेंज, मेजर चेंज नहीं किया गवर्नमेंट ने। द रीजन बीइंग क्या होता है, गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है तो न्यू गवर्नमेंट को टाइम लगता है इसको चेंज करने में, न्यू गवर्नमेंट में भी सारा का सारा बजट ही चेंज कर दे तो इट इज अ लॉस टू द कंट्री, इट इज लॉस टू द पार्लियामेंट, इट इज लॉस टू एवरीवन। तो इस बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट यूजली चेंज नहीं करती है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकती है इंटीरियर बजट में भी। वो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा इंटीरियम बजट और फाइनल बजट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट क्यों इंटीरियम बजट लेके आती है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और इसी तरह की अपडेट्स ये क्लासेस के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मुझे नहीं पता कैसे दबाओगे बेल आइकन को, बस वो लाल कलर का जो निशान है ना वो ब्लैक कलर हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी रूल्स रिगार्डिंग आर्टिकलशिप के लिए, बजट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस वीडियोज़ को रेफर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।